हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गुरु नीति के 16 एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट रिलेशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मैं चंद प्रकाश और मेरे साथ हैं रिंकेश कुमार के सर। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2xy देन वाई डैश 0 कितना होगा ये बताना। तो ये जो है बच्चों ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो आइए देखिए कैसे करें। तो मुझे y डैश निकालना है तो डिफरेंशिएट कर लो इसको, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए log x प्लस वाई, तो log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई। फिर हम x प्लस वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x का तो 1 हो गया और y का हो जाएगा y डैश। ऐसे ही सामने चलते हैं, टू कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 y एज इट इज, फिर प्लस एक्स एडिटिव और वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई डैश। इस इक्वेशन से मुझे वाई डैश की वैल्यू निकालनी है और कब निकालनी है, जब एक्स का वैल्यू जीरो। अच्छा देखो, जब एक्स का वैल्यू जीरो है इस इक्वेशन में, एक्स और वाई डैश के अलावा वाई भी है, तो हमें वाई की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, वो हम यहीं से निकाल लेते हैं। अगर आप इसमें एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो देखो यहाँ पे, तो आपको मिलेगा लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इससे अपने को वाई का वैल्यू क्या मिला, ये दोनों वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में डाल दो, तो जाहिर सी बात है केवल y डैश बचेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो ये बन जाएगा 1 और ये इधर बचेगा 1 प्लस y डैश, सामने 2, दिस टर्म विल बिकम 1 और ये टर्म हो जाएगी 0। तो कुल मिला के इधर 2 बचा, तो बस सिंप्लीफाई किया तो y डैश इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट पी गिवन है आपको 5 इज ए प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है 2 होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है क्यू, 7 इज फैक्टर ऑफ 192, तो 7 192 का फैक्टर नहीं होगा, तो इसको लेना अपन को फॉल्स, क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे तो उसका कुछ रिमाइंडर आने वाला है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35, ये भी आपका ट्रू होगा। तो आपको मेंशन है कि P एंड R ट्रू है और Q आपका फॉल्स है। तो देन आपसे बोला गया कि देन दी ट्रूथ वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो अपन वन बाई वन ऑप्शन से ट्राई करते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन की बात करोगे तो P आपका ट्रू है और Q आपका फॉल्स है, ठीक है, और R नेगेशन, तो ट्रू का नेगेशन होगा तो क्या लोगे बोलो फॉल्स। तो देखो सिंपल सी बात है, ये एंड है, ये आपका और है, तो ट्रू फॉल्स का एंड का मतलब इंटरसेक्शन मान लो, तो ये क्या होगा फॉल्स, और फॉल्स का फॉल्स के साथ जब यूनियन लोगे तो अगेन आंसर फॉल्स। तो आपको क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू लेके आनी, मतलब टी लेके आना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा। सिमिलरली आप सेकेंड ऑप्शन की बात करोगे तो देखो सेकेंड ऑप्शन में पी का नेगेशन क्या होगा फॉल्स और Q एंड R, तो ट्रू और फॉल्स का, फॉल्स और ट्रू का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये क्या होगा अगेन फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स का जब और लोगे तो क्या गया फॉल्स, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा। फिर थर्ड ऑप्शन की बात करोगे तो P का मीनिंग ट्रू है और नेगेशन Q, तो नेगेशन Q, तो फॉल्स का नेगेशन ट्रू लेना है अपन को और एंड आर इज ऑल्सो ट्रू, तो ट्रू और ट्रू का एंड लोगे आप तो ट्रू होगा और ट्रू का ट्रू के साथ जब यूनियन लोगे अगेन तो ये क्या आ गया ट्रू, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। जब आप फोर्थ ऑप्शन को चेक करोगे तो वो अगेन फॉल्स आने वाला है बेटा, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो इसमें ना थोड़ा अपन देखो सर, ऐसे भी अगर हम डायरेक्टली देखें ना, तो जैसे ये तो ट्रू है ही और ट्रू का यूनियन, अब यहाँ चाहे जो भी हो वो रिजल्ट ट्रू ही आना होता है, ट्रू का यूनियन फॉल्स से ट्रू आता है ना, और ट्रू का ट्रू से करें तो भी ट्रू आता है। इसमें तो फॉल्स लोगे तो फॉल्स का फॉल्स तो चेक करना पड़ेगा, बट वो जो क्विकली चेक हो रहा है सबसे पहले और कोइंसिडेंटली वो सही भी है। हाँ, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ओके, y इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। देखो इसमें सेकंड डेरिवेटिव है राइट, तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव तक जाना ही जाना है, तो आइए देखिए कैसे। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो सीधे सीधे, क्या मिलेगा अपने को dy/dx इज इक्वल टू, इधर आते हैं देखिए, इसमें पहले पावर फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो n
और x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर ये जो क्वांटिटी है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, राइट। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया देखो 1, और इधर अंडर रूट का करोगे तो 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन में फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x। देखो बच्चों 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाना है, राइट। यहां अगर आप एलसीएम लोगे तो यहां क्या बनेगा, ऊपर एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यही चीज वापस बन जाएगी। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मिला के वापस से, स्क्वायर की पावर एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस तरह के क्वेश्चन में हम कोशिश ये करते हैं कि सॉल्व करते करते ये एक्सप्रेशन अपने आप ही बन जाए, राइट। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ये एन है ही अपनी जगह, ये पूरी टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को हम वाई ले सकते हैं, और नीचे जो है ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, लेकिन देखो मैं इधर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं इधर लेके चल रहा हूँ पहले। तो एक दोस्त से मुझे एक फायदा तो ये होगा कि डिवीजन रूल के बजाय प्रोडक्ट रूल से काम चल जाएगा, और प्रोडक्ट रूल जो है वो थोड़ा ईजी भी रहता है। दूसरा फायदा ये, देखो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा सीधे ही, आप यहाँ ध्यान दो डीवाई बाई डी एक्स के प्रोडक्ट में ये आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इसको अब डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार और तो देखो क्या मिल रहा है। इसको तो मैंने एज इट इज रख लिया, ठीक है भाई, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये 1 है प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ किया था हम लोगों ने, तो ये एज इट इज यहाँ मिलेगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स सामने की तरफ देखो क्या बनेगा, इसका करेंगे n कांस्टेंट है y का करोगे तो dy by dx। अब यहां देखो आंसर जो है मेरे को y की फॉर्म में लेके आना है, dy by dx की ये वाली वैल्यू वापस से यहां यूज कर लो, तो ये बन गया n स्क्वायर y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और अब चूंकि मुझे dy d2y by dx2 के साथ में 1 प्लस x स्क्वायर चाहिए, तो ये जो हाँ ये जो डिनोमिनेटर में है इसको भी निपटा सकते हो, इसको पूरे को गुणा कर दो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ये सवाल खत्म। तो ये एक्सप्रेशन बन गया देखो अपने आप ही, ठीक है भाई, यहां बन जाएगा वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स और सामने रह गया एन स्क्वायर, आंसर जो इसका वो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन 4 क्या है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो ऑप्शन में देखना है कि किसके इक्विवेलेंट है। तो देखो तो क्या करना है इसमें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस नेगेशन को अपन इसके अंदर शिफ्ट करते हैं, तो जब आप दिस पार्ट का नेगेशन लोगे तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी इंटरसेक्शन क्यू बार, ठीक है, यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखना आपको। फिर नेक्स्ट क्या होगा, इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब आप इसको देखें इस अंदर वाले पार्ट को, कि इसको सेट अगर ए लेट करते हैं स्टेटमेंट ए, इसको स्टेटमेंट बी, ये स्टेटमेंट ए है और ये स्टेटमेंट आपका सी लेट है। देखो इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला यूज करना अपन को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो क्या बोल सकते हो, ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन लॉस में से, तो ये आ गया बी यूनियन सी, ये आपको यूज करना है इसमें। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पी एंड नेगेशन क्यू और आर, ठीक है, और उसके बाद अगला क्या है, एंड नेगेशन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो अभी ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों तरफ अगर सेम साइन हो, जैसे लेट मेंशन हो कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो आप इस ब्रैकेट की पोजीशन को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो देखो अपन क्या करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए हाँ बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो इसमें अपन लिख सकते हैं पी इंटरसेक्शन, इस ब्रैकेट को अपन इधर लगा देते हैं ऐसे, नेगेशन क्यू
यूनियन R और इंटरसेक्शन नेगेशन Q इंटरसेक्शन R, ये आपने ब्रैकेट की पोजीशन को क्या किया इंटर। अब देखो इसके बाद ये जो दोनों सेट में देखो डिफरेंस क्या है, ये लेट सेट A है, ये लेट सेट B है, और ये भी A है तो ये भी आपका B होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि A यूनियन B लेना है, और इसका मीनिंग है A इंटरसेक्शन आपको B लेना है। तो A यूनियन B का जब आप A इंटरसेक्शन B के साथ क्या लोगे, कॉमन लोगे, तो उसका अगेन आंसर होगा A इंटरसेक्शन B, मतलब दिस पार्टी इसका क्या होगा, फाइनल पार्ट बन जाएगा आपका। तो ये आ गया P इंटरसेक्शन नेगेशन Q इंटरसेक्शन R, और अगेन उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि आप दोनों का साइन सेम हो तो आप इनको क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है, सिंपल सी बात है, दोनों सबका साइन सेम है तो आप R और नेगेशन Q की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा, इसमें दोनों जगह इंटरसेक्शन आ रहा है, हाँ आर और माइनस की वाला, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख, फिफ्थ क्वेश्चन का आता है वो क्या है, ओके एक्स एक मतलब ए एक सेट है, कौन सा सेट है जिसमें एक्स इक्वल टू फोर एंड वेयर एन इज इंटीजर, यानी कि फोर के मल्टीपल आएंगे इसमें सारे, है ना, जीरो प्लस माइनस फोर प्लस माइनस एट प्लस माइनस ट्वेल्व एंड सो ऑन, और ये इसमें सिक्स के मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है भाई, और मेरे को इनका कॉमन लेना है। तो देखिए अगर लिखना चाहे तो जैसे ये ए है, इसमें ये वाले एलिमेंट आएंगे जीरो फोर एट ट्वेल्व एंड सो ऑन, इधर भी चल सकते हैं पीछे माइनस फोर, बी में एलिमेंट आएंगे आपके पास जीरो पीपल ऑफ सिक्स सिक्स ट्वेल्व एटीन, पीछे चलेंगे तो माइनस सिक्स एंड सो ऑन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया इनका कॉमन वैल्यू मुझे ढूंढना है। ये भी देखो एपी है, ये भी एक एपी है, और आप जानते हो दो एपी की कॉमन टर्म भी एपी में होती है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है फोर, यहाँ कितना है सिक्स, इनका एलसीएम लोगे बच्चों तो आपको मिलेगा ट्वेल्व, यानी इनमें जो कॉमन आएगा ए इंटरसेक्शन बी में वो भी एक एपी होगी जिसका कि कॉमन डिफरेंस ट्वेल्व होगा। कॉमन एलिमेंट आपको एक जीरो दिख ही रहा है, वैसे अगला तो ट्वेल्व भी नजर आएगा, उसके बाद आएगा ट्वेंटी फोर एंड सो इधर माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर, सीधी सी बात है ट्वेल्व के मल्टीपल यहाँ पे आने वाले हैं। ट्वेल्व एंड किसमें आ रहा है देखो, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन जो है अपना वो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाओ। हाँ मीन एंड वेरियंस, मीन एंड वेरियंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस आर दिस पार्ट, एन ऑब्जर्वेशन है उनका मीन आपको फाइव गिवन है और उनका वेरियंस आपको जीरो गिवन है, एंड आपको बोला गया कि सिग्मा एक्स मीन स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसमें वन से लेके एन के स्क्वायर का समय, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो आई इक्वल टू वन से एन एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है, देन दी वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू। तो देखो क्या करना है, लेट ये एन ऑब्जर्वेशन है आपके, तो इनका जो मीन है उसको लेट करते अपन एक्स बार इक्वल टू ऑल का सम बाई नंबर ऑफ टर्म, मतलब एक एवरेज हो गया, तो क्या गया सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन अपॉन एन, ये एक्स बार आपको गिवन है बेटा फाइव, और इनका जो वेरियंस है वेरियंस आपको जीरो गिवन है। तो देखो ये वेरियंस का फॉर्मूला क्या है वो आप याद रखें, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको जीरो है। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 400 पुट कर दो अपॉन एन एज इट इज इक्वल टू, क्योंकि जीरो है तो इसको इधर शिफ्ट करो, एक्स बार का स्क्वायर कितना आ गया, एक्स बार आपको 5 है तो क्या आ गया 25, तो एन की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग बोलो 400 अपॉन 25, तो सॉल्व करने पर जाएगा बेटा ये 60। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, The relation on the set A where mod x is less than 3 is defined by R. Okay. Then the number of element in the power set of R. Okay. देखो. Set A को देखो पहले. तो set A में वो integer है जिनका modulus 3 से कम आता है. यानी set A में बच्चों को कौन-कौन से integer हो गए? 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया. बस ये पांच ही element हो गए. Right? यही वो integer है जिनका mod 3 से less है. R जो है वो एक relation वाला set है.
इसमें दो नंबर का रिलेशन है, और कब है रिलेशन, जब वाई बराबर हो मोड एक्स। लेकिन यहाँ खास बात देखो, एक्स का वैल्यू माइनस वन नहीं लेना है, तो जैसे जीरो अगर मैं एक्स की जगह लेता हूँ तो वाई भी जीरो हो, वन लेता हूँ तो वाई भी वन हो, माइनस वन में ले नहीं सकता। एक्स का वैल्यू टू लूंगा तो वाई का वैल्यू भी टू आएगा, और एक्स का वैल्यू माइनस टू लूंगा तो भी वाई का वैल्यू टू ही आएगा। तो ये सेट आर हो गया, और इस सेट में टोटल फोर चार एलिमेंट हमारे पास हो गए। पावर सेट, पावर सेट या घात समुच्चय किसको बोलते हैं हम, किसी भी सेट के, जैसे ये सेट आर है तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनका जो सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ सबसेट। इसके जितने सबसेट हैं उतने ही एलिमेंट पावर सेट में आएंगे, और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला आई होप सबको पता है, टू पावर एन। यहाँ एन इस सेट में एलिमेंट का नंबर है जो कि फोर है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 16। तो इसका आंसर भी 16 ही आ रहा है। यस, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है कि इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, इसको आप लेट करो p, सिंपल मेथड है, then their squares are not equal. तो इसको अपन लेट करते हैं स्टेटमेंट क्यू। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है कि देखो ध्यान रखना, ये if and then है, तो मतलब p tends to, ये कंडीशनल है आपका, p implies q। तो जब भी आपको p implies q का क्या लेना है, नेगेशन, सॉरी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो p कंडीशनल q का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो उसमें क्या करना है आपको, इनको इंटेजन करना है और उनका दोनों का लेना बेटा नेगेशन। तो यह जाएगा नेगेशन क्यू इंप्लाई नेगेशन पी। तो सिंपल, मतलब आपको इन स्टेटमेंट को इंटेजन करना है, और नॉट है तो उसको ट्रू लेट करना है, और ट्रू है तो उसको नॉट लेट करना है। देखो जब इसका रिवर्स लेके उसका नेगेशन लोगे तो क्या लिखोगे, इफ टू स्क्वायर्स आर इक्वल देन दी नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल। कि टू नंबर्स का स्क्वायर अगर इक्वल है तो वो नंबर्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टू नंबर्स आर इक्वल, या इफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, तो इफ दी स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन नंबर्स आर इक्वल। क्योंकि दोनों में नॉट है तो नॉट रिमूव करना है और उनको इंटरचेंज करना बस। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 9। Two point P and Q in a plane are related if OP is equal to O, where O is a fixed point. This relation is okay. तो O fixed point है plane में, तो हम मान लेते हैं कि O जो है बच्चों वो अपना origin है, right? अभी अगर दो number का मतलब दो point में relation define किया हुआ, दो point में relation कब होगा, जब उनकी origin से distance बराबर है। जैसे मान लो ये OP है और ये OQ है, अगर ये दोनों distance बराबर है तो हम बोलेंगे कि P और Q related है। अब मुझे चेक करना है कि कैसा रिलेशन है, तो आइए देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो ये भी है, तो ओपी बराबर ओपी हर हाल में होगा, आप कहीं भी पॉइंट पी ले लो, राइट? तो हर एक पॉइंट का अपने आप से रिलेशन होगा ही होगा, तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? देखिए अगर ओपी बराबर है ओपी, सोचो मान लेते हैं कि ओपी और ओपी बराबर है, तो क्या इनका ऑर्डर चेंज करने से भी रिलेशन बना रहेगा? तो बिल्कुल, ओक्यू और ओपी भी बराबर होंगे, राइट? तो इसी तरह के रिलेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं, जिसमें एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करने पर भी रिलेशन चेंज ना हो, तो ये डेफिनेटली सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, मतलब मान लो कि ओपी बराबर है ओपी, यानी पी का क्यू से रिलेशन है। मान लेते हैं क्यू का रिलेशन आर से है, ओक्यू लेंथ बराबर है आर के, तो क्या यहां से आप ये बोल सकते हो कि ओपी बराबर ओ आर होगा? डेफिनेटली। तो इसका मतलब पी का रिलेशन पक्का आर से होगा, यानी ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपका आंसर सही हो जाना चाहिए सेट ऑफ। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। द बूलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो चेक करना है कि किसके इक्विवेलेंट है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, कि दोनों सिंबल आपके सेम है, तो अपन पहले इसको इस ब्रैकेट की पोजीशन को इंटरचेंज
कर सकते हैं, इसको डील कर लेते हैं ना। तो इसमें अपन इस ब्रैकेट की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन। तो देखें पी इंटरसेक्शन क्यू, और इसको ऐसे लिखें यूनियन पी, पी इसको एक साथ किया मैंने, और बाद में यूनियन यूनियन नेगेटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, ये कंप्लीट ब्रैकेट हो गया आपका। और लास्ट में बोला गया है एंड नेगेशन पी नेगेशन क्यू। अब इसके बाद देखो इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। पी इंटरसेक्शन क्यू का आपको पी के साथ क्या लेना है, यूनियन। तो देखें इधर ये आपका पी और ये क्यू है, तो पी और क्यू का इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस पार्ट ये पी था आपका ये क्यू था, और इस इंटरसेक्शन का जब पी के साथ क्या लोगे, यूनियन। तो ये कंप्लीट पार्ट आपको फाइंड आउट होगा। तो पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी को क्या ले सकते हैं अपन, सिंपल पी ले सकते हैं, पी यूनियन नेगेशन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, सॉरी नेगेशन पी इंटरसेक्शन अगेन नेगेशन क्यू। अब दोबारा देखो ये सिंबल दोनों सेम है, तो अगेन ब्रैकेट की पोजीशन को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पी यूनियन नेगेशन क्यू इसको एक साथ किया और ये पार्ट एज, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका मीनिंग क्या है, पी यूनियन नेगेशन क्यू का पी नेगेशन के साथ क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। तो देखो इसका मीनिंग क्या होगा, ये सेट पी है आपका और ये सेट आपका लेट क्यू है, तो क्यू बार का पी के साथ लेना है यूनियन। तो क्यू बार का मीनिंग क्यू के बार वाला पोर्शन, और पी के साथ क्या लेना है इसका, यूनियन। तो पी के साथ जब इसका यूनियन लोगे तो ये कंप्लीट पार्ट आपका इसके अंदर प्रेजेंट होगा, दिस पार्ट का मीनिंग तो ये होगा। फिर इसका क्या लेना है, पी बार के साथ इंटरसेक्शन। तो जब पी बार के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो अपन को कौन सा पार्ट मिलेगा, ये पी बार वाला मिल गया, बार वाला, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं अपन, मतलब इस कंप्लीट पार्ट का मीनिंग क्या होगा कि दिस पार्ट का जब आप दिस पार्ट के साथ क्या लोगे, इंटरसेक्शन, तो इससे मिलेगा नेगेशन पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू। तो ये इसका ऑप्शन हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ये भी है माइनस क्यू, लेकिन चूंकि ये इसी में है इंटरसेक्शन सेम है ना, तो इसको लिख सकते हैं अपन। हां क्योंकि इसको ये लिखोगे आप नेगेशन पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, और ये दोनों चीज सेम है, तो इनका ये इसका सबसेट है। हाँ, ये इसका सबसेट हो गया ना, तो सेम आ गया, वो ही आ जाएगा। और फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि दोनों सिंबल सेम है, तो नेगेशन क्यू दोबारा नेगेशन क्यू, और वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। x e की पावर x y बराबर y plus sin square x then y dash 0 is equal to, फिर से जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये, है ना। डिफरेंशिएट करूंगा मैं दोनों साइड, राइट। पहले तो चलो इसमें देखो x का वैल्यू 0 यहीं डाल देते हैं, अगर x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू 0 डालते ये टर्म 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो क्या अकेला y बचा सामने 0, तो यानी जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 ही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, आ जाओ इधर, x का डिफरेंशिएशन 1 e पावर x y प्लस x का e पावर x y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले e पावर x y का होगा e पावर x y, और अब x y का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से 1 इनटू y प्लस x इनटू y डैश, सामने की तरफ चलते हैं, y का करोगे y डैश प्लस 2 sin x cos x cos x, बस। अब आप इसमें x बराबर 0 डाल दो, y बराबर भी 0 डाल दो, ये टर्म तो देखो 1 हो गई प्लस 0, ये 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 में सामने चले आओ, y डैश ये भी ये sin 0 0 1 हो गया, y डैश का वैल्यू आ गया 1, सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन का आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ,
इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स माइनस वन जीरो वन एंड के इज रूट फाइव, ये फोर नंबर है जिनका है, आपको एच डी गिवन है रूट फाइव, के पॉजिटिव है तो बताओ के की वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखो एच डी आपको रूट फाइव गिवन है तो वेरियंस का फॉर्मूला लिखते हैं, या एच डी का मीनिंग है रूट वेरियंस, तो इसका वेरियंस क्या होगा फाइव, फाइव, तो वेरियंस आ गया आपका फाइव, फाइव, और वेरियंस का सॉरी वेरियंस क्या होगा बोलो फाइव, और वेरियंस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू फाइव। बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, एक्स आई का मीनिंग ईच नंबर की स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एक्स बार का मीनिंग इनका लेना अपन को एवरेज, तो इसके अकॉर्डिंग लिखें वन प्लस या के स्क्वायर प्लस टू अपॉन फोर 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 माइनस के स्क्वायर बाई सिक्सटीन आगे सीधा या के बाई फोर ना या मीन निकालना, तो मीन ऐड करेंगे क्या आ जाएगा टोटल टर्म फोर इक्वल टू फाइव। बस अब इसको कर लो सॉल्व, सॉल्व तो क्या आएगा के का वैल्यू टू रूट सिक्स, टू रूट सिक्स हो जाएगी। ठीक है सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर्मूला बेस्ड था एकदम ये तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्टी नंबर। ओके जी, ए सेट है ऐसे पॉइंट का, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। ध्यान से देखिए ये जो इक्वेशन है y बराबर 4 बाई x यानी एक्स वाई बराबर 4, एक्स वाई इक्वल टू 4 किस चीज की इक्वेशन है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ऐसे तो ये कुछ इस तरफ से आएगा। सेकंड जो बी सेट है वो क्या है भाई, वो उन पॉइंट का सेट है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं और ये इक्वेशन है सर्किल की। तो सेट बी जो है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 वो एक सर्किल आएगा, सेंटर ओरिजिन रेडियस 2√2। पूछा गया है हमसे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कितने ऐसे पॉइंट है जो हाइपरबोला पर में भी है और सर्किल पर भी है, तो दोनों को एक साथ प्लॉट करना पड़ेगा राइट, और हमें ये देखना भाई ये इसको कट करेगा या टच करेगा राइट। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ चाहो तो सॉल्व कर लो, चाहो तो देखो बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं ना। दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, और ये भी सिमेट्रिक है अबाउट लाइन y इक्वल टू x। तो अगर ये y इक्वल टू x से मैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, ये वाला पॉइंट पुट कर दो कितना आएगा 2,2। सिमिलरली देखो इसमें भी y और x बराबर पुट करोगे 2,2 ये पॉइंट आएगा, यानी कि अगर जब मैं दोनों को एक साथ बनाऊंगा ना तो सीन कुछ ऐसा होगा कि ये तो लाइन हो गई अपनी, ये है सर्किल, ये है पॉइंट 2,2 और यहां से पास होगा ऐसे अपना हाइपरबोला टच करके जाएगा बिल्कुल ऐसे ही इधर भी अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। तो ये 2,2 और -2,-2 ये ऐसे दो पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। तो आंसर अपना कौन सा सही हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कंटेंट 2 पॉइंट ओनली, तो थर्ड आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटोलॉजी। हाँ तो इसमें आपको जितनी भी ऑप्शन है उसमें ओनली टू स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो अपन इसको इसकी टेबल से सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करोगे आप तो स्टेटमेंट पी लेट करो पहले और एक स्टेटमेंट क्यू है, फिर आपको लेना है पी कंडीशनल क्यू, फिर इस कंप्लीट पार्ट का अगेन क्यू के साथ क्या लेना है कंडीशनल। तो ये आप ध्यान रखें कि पी कंडीशनल क्यू में ये आपका ट्रू है आप और ये फॉल्स है, तो इसका आउटपुट लिखते हैं फॉल्स, ट्रू का फॉल्स के साथ कंडीशन क्या लिखोगे फॉल्स, रिमेनिंग ऑल थ्री केसेज में ये ऑलवेज ट्रू लिखना आपको, ठीक है ये ध्यान रखना सब। तो जैसे लेट ये ट्रू है आपका, ये भी ट्रू है, तो ट्रू का ट्रू के साथ कंडीशन क्या होगा ट्रू लिखना है, सिमिलरली ट्रू के साथ फॉल्स का लेना अपन को, तो ये क्या आने वाला बोलो फॉल्स, ये टेबल आप याद रखें, फॉल्स का ट्रू के साथ अगेन कंडीशन क्या होगा ट्रू, और फॉल्स का फॉल्स के साथ अगेन कंडीशन क्या होगा बेटा ट्रू होगा। तो ये आ गया पी कंडीशनल क्यू, अब पी कंडीशनल क्यू का पी के साथ क्या लेना है बोलो इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट, तो ट्रू का ट्रू के साथ जब कॉमन लोगे मतलब इस कंप्लीट पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी आपको,
सो ट्रू का टू के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा ट्रू, ट्रू का फॉल्स के साथ इंटरसेक्शन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू के साथ फॉल्स इंटरसेक्शन, और फॉल्स का ट्रू के साथ अगेन फॉल्स हो गए। अब इसका क्या करना है, अगेन आपको जो क्यू है आपका, क्यू क्या है, टी एफ टी एफ, टी एफ टी एफ, इसके साथ क्या लेना है इसका कंडीशन। तो देखो टी एफ का कंडीशनल तो क्या होगा, फॉल्स, रिमेनिंग ऑल केसेज में ट्रू आंसर। तो देखो टी टी का कंडीशनल ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू, एफ टी का भी ट्रू, और एफ एफ का भी ट्रू। तो मतलब ऑल फोर केसेज में इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो बस यही मीनिंग है टोटोलॉजी का, कि ऑल स्टेटमेंट या ऑल केसेज में आंसर आपका क्या आना चाहिए, ट्रू। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। ऐसी देखो अगर आप फोर्थ ऑप्शन की बात करोगे, तो देखो फोर्थ ऑप्शन इसका रिवर्स है बस, तो आप ऐसे बात करोगे इसमें यू, तो देखो ना ट्रू ट्रू का तो ट्रू होगा बट, और फॉल्स फॉल्स का फॉल्स ट्रू होगा, लेकिन टी एफ का जब आप कंडीशन लोगे तो क्या होगा बोलो, फॉल्स। तो ये टोटोलॉजी नहीं होगी। सिमिलरली अपन सेकंड और थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर सकते, तो इसका भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई इज इक्वल टू दिस देन पी इज, ओके देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ये सर्किल का इक्वेशन है राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर वन आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई जो है वो एक एलिमेंट है और आपस में रिलेटेड है, यही रिलेशन है एक्स और वाई। ये रिलेशन कैसी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये चेक करना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलते हैं जब हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो, करेक्ट। तो क्या हर एक रियल नंबर जिसमें मैं वाई और एक्स को सेम ले लूँ उसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप पाएंगे बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स का वैल्यू जीरो ले लिया, तो क्या जीरो का जीरो से रिलेशन है, क्या जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई करता है, आप पाओगे नहीं कर रहा है, जीरो प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है, एक्स शुड बी रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन। तो यहाँ डोमेन अपने को आर दिया हुआ ना, तो अगर हम कोई भी नंबर उठा के देखें, जैसे वन उठा के देख लिया तो वो भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, जीरो भी नहीं कर रहा, बहुत से नंबर है, ओके तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऑब्वियसली बात है, देखो ये सर्किल की इक्वेशन है तो वही सब तो सेटिस्फाई करेंगे जो सर्किल में होंगे राइट, जबकि वाई बराबर एक्स ये लाइन होती है, तो इस लाइन का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसमें कोई भी पॉइंट उठाओगे तो वो कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक कब बोलते हैं हम किसी फंक्शन को, कंडीशन ये है कि इफ x रिलेटेड टू y, देन y रिलेटेड टू x, मतलब पहले ये होना जरूरी है। तो कोई भी दो नंबर आप लीजिए जो इसको सेटिस्फाई करते हैं राइट, मैं जनरल ऐसे उठा लेता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा दो नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, करें x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस थीटा। अब क्या इनका ऑर्डर चेंज करने पर भी रिलेशन मेंटेन रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा भाई, एडिशन है। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो भी वन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो भी वन ही आएगा। तो डेफिनेटली ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ओके तो बस सिंगल चॉइस है, बाकी आप ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हो, एंटी सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। सपोज A1 A2 A30 आर 30 सेट ईच विद 5 एलिमेंट, ओके देखो पहले इसी स्टेटमेंट को समझते हैं। ऐसे समझो कि मेरे पास ये टोटल ना 30 सेट है, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा हो गया, ऐसे करके टोटल 30 सेट है, हर एक में 5 एलिमेंट हैं। तो अगर मैं सबका यूनियन लूँ तो ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं भाई, 150 है ना, 50 मतलब 30 कितने एलिमेंट थे यार, 5 × 30 है ना, टोटल 150 एलिमेंट हो गए। लेकिन आगे देखो क्या है, अब इनके यूनियन से जो सेट बनाना है, ये क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ एस belong to exactly 10 of the AI, यानी जैसे आप कोई भी एलिमेंट अगर उठाते हैं तो वो क्या है, ऐसे 10 सेट में है, जैसे A1 मान लो A यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो A जब मैं इसको कंबाइंड करके बोल रहा हूँ कि 150 एलिमेंट है, तो A उसमें कितनी बार काउंट हो गया, सोचिए 10 बार काउंट हो गया। तो सिमिलरली ऐसे हर एलिमेंट 10 बार काउंट हुआ है, तो अगर मैं टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखना चाहूँ तो वो कितने हो जाएंगे, 150 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि टोटल मिला के 15 एलिमेंट होंगे इसके यूनियन। ओके अब यही कहानी बी के बारे में है कि ये B1 B2 करके BN सेट है, हर एक में 3 एलिमेंट है, तो सोचो हर एक में 3 एलिमेंट है तो ज्यादा से ज्यादा 3N एलिमेंट उसमें हो सकते हैं।
लेकिन ये कह रहा है कि जब ये सेट बनाया हमने यूनियन लेके, तो इसका हर एक एलिमेंट एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द बी आई, हर एलिमेंट 9 सेट में आ रहा है B1 B2 के अंदर से, यानी हर एलिमेंट 9 बार रिपीट हो रहा है। जब मैं एक साथ में लाऊंगा उनको तो हर एक एलिमेंट 9 बार आएगा, लेकिन हमको तो एक बार ही लिखना होता है, तो इसलिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए इतने, यानी कि n/3। तो ए वाले कंडीशन से तो क्या निकल के आ रहा है कि यूनियन में 15 एलिमेंट होने चाहिए, बी वाले कंडीशन से निकल के आ रहा है कि n/3 एलिमेंट होने चाहिए, तो इसका मतलब बराबर होने चाहिए। सो n/3 must be equal to 15। तो ये कितना हो गया, ठीक 10 समुच्चयों में तथा बीआई ठीक 9 से संबंधित 45। तो n का वैल्यू आएगा 45। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें एक फंक्शन गिवन है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, देन आपको f'π/4 को कैलकुलेट करना है। देखें अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल की बात करोगे तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 फंक्शंस का मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन काफी लेंथी होगा। देखो उस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर मेथड क्या है, तो ध्यान रखिए कि जब cos थीटा मल्टीप्लाई में हो और एंगल क्या हो डबल, इसमें देखो x का डबल 2, 2 का 4x, 4 का 8 और 8 का 16, तो उस केस में क्या करना है, इसे याद होना चाहिए मेथड, बट सिंपल है कि जो सबसे लीस्ट एंगल है x, इसके साइन से क्या करो मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो एक स्टेप लिख दो मैं आपको, तो साइन एक्स से क्या करो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये कोस एक्स, फिर अगेन कोस 2x, और लास्ट में आ गया कोस ऑफ 16x। ठीक है, इतना लिखने से देखो बेनिफिट क्या होगा, ये साइन इनटू कोस है, तो इसको अगर आपने 2 से क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड, तो किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2x का। उसके बाद सिमेट्री से देखें, ये cos 2x ही sin 2x है, तो अब ओनली किसकी रिक्वायरमेंट है 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो ये क्या बनेगा अगेन sin 4x, इसके बाद इधर cos 4x है, तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो जब लास्ट की बात करोगे तो 100%, जब देखो cos 2x के लिए sin 2x है इससे जस्ट पहले, cos x के लिए sin x था, तो सिमिलरली जब आप आगे चलोगे तो cos 16 के लिए इससे पहले कौन आने वाला है प्रीवियस टर्म sin 16x, इसमें भी आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो न्यूमेटर में तो क्या मिलेगा बोलो, साइन 16 इंटू कॉस 16 इज साइन 32x अपॉन 1 साइन x आपका फिक्स है। अब इधर देखो, फर्स्ट कॉस के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड कॉस के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसका मीनिंग क्या है कि कॉस जितनी बार मल्टीप्लाई में है उतनी बार आपको 2 से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया 2 की पावर 5। तो ये आपको मिला फंक्शन fx। अब आपको इजीली न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर सकते हो डिफरेंशिएट, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, f'(x)=1/32 टू कॉमन एज इट इज, n अपॉन d से करो तो डिनोमिनेटर एज इट इज, तो sin x एज इट इज, और sin 32 का डिफरेंशिएशन 32 cos 32x, ठीक है, माइनस इस बार न्यूमेटर एज इट इज, तो साइन 32 एज इट इज एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का लिखना आपको कॉस एक्स, तो इनटू में क्या लिखना बोलो कॉस एक्स, और अपॉन में आ जाएगा डिनोमेटर का इस पर, तो ये आ गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें आपको पुट करना है एक्स को 45, तो जब एफ डेस पाई बाई फोर की बात करोगे आप तो देखें क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, जब इधर पाई बाई फोर लोगे तो 32 पाई बाई फोर क्या आ गया 8π, और उस केस में साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये जो सेकेंड टर्म है तो शिफ्ट होगी आपकी 0 में, इसको रिमूव करो। अब आपको ओनली दिस अपॉन दिस में एक्स को पुट करना है 45, तो देखो जब इसमें पुट करोगे तो देखो 32 से 32 कैंसिल, इसको हटाएं, 1 साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस 32 पाई बाई फोर अपॉन साइन पाई बाई फोर इज 1/√2, ठीक है, ये 32 से 4 कैंसिल, तो कॉस 8π, तो पाई के इवन मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू क्या लेते हैं बोलो 1, तो 1 अपॉन 1/√2, तो सॉल्व करने पे क्या जाएगा इसका आंसर √2, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा।
देखो इसको सर थोड़ा ना मतलब थोड़ा और एक और डिफरेंट वे से हम लोग इसको और अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो जैसे मैं 5/4 अगर पुट करके यहाँ देखता हूँ ना, तो ये टर्म है जो जीरो बनेगी, इसके अलावा कोई भी जीरो नहीं बनेगा ना। ये कॉस पाई माइनस वन बनता है, ये क्या बनेगा माइनस वन, ये कॉस टू पाई ये वन बन जाएगा, अगला माइनस वन बन जाएगा, और ये कॉस 5/4 ये 1/√2 बनेगा। केवल एक ये फैक्टर ऐसा है जो जीरो बनता है। तो अपन इसको ऐसे कंसिडर करके चलें कि एफ एक्स बराबर एक फैक्टर तो है कॉस 2x, रिमेनिंग को सेकंड में है पूरे को एक बार का। और अब सीधे सीधे अगर प्रोडक्ट रूल लगा देना तो जैसे कॉस 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 sin 2x माइनस 2 sin 2x sin 2x, और ये ब्रैकेट में जो भी वो एडिटिज, एडिटिज मतलब वही कॉस एक्स, कॉस 4x, कॉस 8x और कॉस 16x, और फिर प्लस अब की बार ये कॉस 2x एडिटिज और इस सब का डिफरेंशिएशन। तो अब जब मैं इसमें 5/4 पुट करूंगा तो ये टर्म तो जीरो बन जाएगी, तो इसको जीरो बनने से यहाँ क्या है उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ये पूरा का पूरा जीरो बन गया है ना। और यहाँ वैल्यू डाल दें अगर तो माइनस 2 और साइन 5/2 1, इधर ये आ जाओ कॉस 5/4 1/√2, कॉस यहाँ कितना था भाई 4x माइनस, ये क्या बनेगा माइनस कॉस पाई यानी माइनस 1 फिर 1 फिर 1, तो ये सब मिला के √2 आ जाएगा। तो ऐसे भी इसको थोड़ा डील करें तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, अलग अलग करके तो करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन पी तथा क्यू के लिए सत्य नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है ये देखना है। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये तो ट्रू है, डी मॉर्गन लॉ से साफ साफ नजर आ रहा है कि निगेशन को अगर मैं अंदर लाऊंगा तो ये बन जाएगा निगेटिव पी, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये इसका भी निगेशन होगा तो ये क्यू बन जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अब इस पे बात करते हैं, देखो यही गड़बड़ है क्योंकि अगर मैं इसको अंदर लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा माइनस पी और ये साइन चेंज होगा इंटरसेक्शन माइनस क्यू, ये बनना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत, तो यही अपना सही आंसर है। चलिए अगर अगर इसको भी देखना चाहें कि पी इंटरसेक्शन माइनस पी क्या होगा, तो अगर सेट थ्योरी से देखो बच्चों तो ये एक सेट है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा फाइव, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, और फाइव ही जो है वो यहाँ पर जो है रीजनिंग में इसको रिप्रेजेंट करता है फॉलेसी को, तो डेफिनेटली ये एक फॉलेसी है, कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, इस पर निगेटिव किया हुआ इसका, तो फॉलेसी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या हो जाता है टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, तो ये डेफिनेटली टोटोलॉजी, तो ओनली सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है क्योंकि वो गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स डिफाइंड एज गिवन बिलो, आपको ए और बी टू सेट गिवन है, सेट ए में बोला गया कि एक्स माइनस थ्री का मोड लेस देन 1 एंड वाई माइनस थ्री का मोड लेस देन 1, और सेट बी में आपको एक्स और वाई में एक इनइक्वलिटी है, तो इसको जब आप ढंग से देखते तो देखो ये इनइक्वलिटी क्या होगी, ठीक है, फिर आपको ये चेक करना है कि ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट है या ए बी के बराबर इक्वल है। तो देखो ये जो सेट ए के टू कंडीशंस हैं ये इनइक्वलिटी के पार्ट है, और सेट बी का भी पार्ट क्या है, कर्व है उसके इंटीरियर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है, देखो पहले हाँ ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसका जब आप डेल्टा चेक करोगे तो वो डेल्टा नॉन जीरो होगा और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, तो इस इलिप्स की इक्वेशन को अपन इजीली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 4x स्क्वायर और माइनस 32x में आप कॉमन लो 4, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सिमिलरली सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में कॉमन लोगे प्लस 9, तो देन वाई स्क्वायर माइनस 6y और लास्ट में आ गया प्लस 109 लेस देन इक्वल। अब क्या करना है, इनको अपन को बनाना परफेक्ट स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर क्या करो ऐड और सबट्रैक्ट, तो 16 ऐड करें और सबट्रैक्ट करो, सिमिलरली इधर की बात करोगे तो y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, तो देखो ये क्या बन गया 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर
माइनस के 64 सेपरेट कर दो प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 81 प्लस 109 लेस एन इक्वल टू 0। देखो फाइनली आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस एन इक्वल टू देखो 36 हो जाएगा। और जब आप इसको 36 से डिवाइड करोगे तो देन x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 लेस एन इक्वल टू 1। तो देखो ढंग से ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो देखो इसको करना है कैसे, क्वेश्चन को जो सेट ए है इसमें x माइनस 3 और y माइनस 3 है तो इसमें वेटर ऑप्शन क्या है, इसको आप कैपिटल x सिलेक्ट करो, इसको कैपिटल y। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो इसको कैपिटल x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन 1। आपने कैपिटल x y की फॉर्मेट में इस एलिप्स की इक्वेशन को क्या किया है, रिप्रेजेंट। तो अपन क्या करते हैं, जो सेट ए है उसको भी अपन कैपिटल x y की फॉर्मेट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। इसमें यूज करो ट्रांस एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन, ओरिजिन को एच कोमा के पे आपको शिफ्ट करना है। तो देखो कैपिटल एक्स का मीनिंग तो क्या है इसमें, स्मॉल एक्स माइनस 4। तो एक्स माइनस 3 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं इसमें, कैपिटल एक्स प्लस 1। तो सेट ए का मीनिंग क्या होगा इसमें, एक्स प्लस 1 का मॉड इज लेस देन 1 और वाई माइनस 3 को क्या लेट किया था, कैपिटल वाई। तो ये होगा आपका मॉड वाई लेस देन 1। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉड एक्स लेस देन ए का मीनिंग एक्स माइनस ए से है। तो देखो अब इन दोनों के डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं सीधा। तो इसमें ए बी से ग्रेटर है, तो ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दो, ये डिस्टेंस थ्री और ये भी आपकी वाली 2 और वाई आपका है माइनस 1 से 1। तो 1 इधर माइनस 1, तो मोड वाई लेस देन 1 का मीनिंग क्या होगा, दिस पार्ट। और एक्स प्लस 1 का मोड लेस देन 1, इसका मीनिंग एक्स प्लस 1 इज लाइज बिटवीन माइनस 1 से 1। तो ये होगा बेटा आपका माइनस 2 से 0। तो x को जब माइनस 2 से 0 लोगे तो देखो आप इसके अकॉर्डिंग इसका जो पार्ट है क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। इसका मीनिंग क्या है कि जो सेट ए का जो रीजन है वो कंप्लीटली सेट बी के इनसाइड है। इसको क्या बोल सकते हैं कि सेट ए के ऑल एलिमेंट लाइज ऑन दी सेट ऑफ बी। तो ए इज दी सबसेट ऑफ बी, ए बी का क्या होगा बेटा, सबसेट होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सबसेट है भाई, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। देखो ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका सीधा सा मतलब है कि ए ना तो 5 है और ना ही बी है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 5, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मीनिंग समझा दूं आपको, ए डेल्टा बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो बच्चों ए बी का सबसेट है, अगर वेन डायग्राम से बताना चाहूंगा आपको, जैसे मान लो ये बी है ये ए है, राइट। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में आते हैं, लेकिन ए के तो सारे एलिमेंट ही बी में आते हैं, तो अगर आप ए में से पूरा बी ही हटा देंगे तो बचेगा 5। तो ये 5 सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 का यूनियन बी माइनस ए से लोगे तो बी माइनस ए ही आएगा। तो ये रिजल्ट अपना फाइनली अभी आया बी माइनस ए। तो एक तरह से मुझे पता करना है कि बी माइनस ए में कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ए बी का सबसेट है राइट, तो मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं। भाई सोच के देखिए, ए तो पूरा बी के अंदर आता ही है ना, और बी जो है, लेकिन याद रखना ए बी के बराबर नहीं है, तो बी ए से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो कम से कम अगर हम बात करें तो बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा होना चाहिए ए से, राइट। तो इसका मतलब बी माइनस ए में मिनिमम जो एलिमेंट हो सकते हैं वो है 1। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट जरूर ज्यादा होना चाहिए। सो आंसर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से समाप्त होता है भाई 16 एपिसोड। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट में। गुड बाय।